मैं प्रिया आपके साथ। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कुछ लोगों ने चादर चढ़ाने की कोशिश की, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मंगलवार को FIR दर्ज कर ली। महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने भी पूरे मामले में जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया। वायरल वीडियो शनिवार का है, जिसमें कुछ लोग सिर पर चादर रखकर मंदिर के गेट में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोक देते हैं। इस बीच बहस शुरू हो जाती है, बाद में उन्हें वापस लौटना पड़ता है। घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मंदिर ट्रस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि चादर चढ़ाने वाले में कई लोग शामिल थे। मंदिर प्रबंधन के अनुसार केवल हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने की परमिशन है, क्योंकि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पुजारियों ने इसका विरोध किया, इससे तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने इससे एक दिन बाद यानी रविवार को एक शांति समिति की बैठक बुलाकर दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर विवाद खत्म करने की कोशिश की थी। इसके बाद मंदिर परिसर में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। डिप्टी CM ने मंगलवार को पूरे मामले में SIT गठित करने का आदेश दिया। ADG रैंक का एक अधिकारी SIT का प्रमुख होगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेट टीम ने केवल इस घटना की जांच करेगी, बल्कि पिछले साल हुई इसी तरह की एक और घटना की भी जांच करेगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।